नमस्कार, मैं जनवक्ता श्री हूं गौतम। और एक खबर आई सामना में, उद्धव ठाकरे ने अमित शाह की जो कश्मीर नीति है उसकी जमकर तारीफ की है। अमित शाह का कहना है कि जो अब तक नीति कश्मीर पर रही है उससे आगे बढ़कर जिस तरीके से अमित शाह ने मीटिंगें की हैं और जिस तरीके से परिसीमन के लिए खोल दिया है, दोबारा से राज्यपाल को अधिकार दे दिए हैं, उससे एक बड़ा बदलाव कश्मीर के अंदर आने वाला है। क्योंकि पहले परिसीमन को इसलिए रोका गया था कि जो कश्मीर का रीजन है उसको 68 सीटें दे दी गई थी और जो जम्मू का रीजन है उसको कम सीटें दी गई थी, जबकि बहुत ज़्यादा अंतर नहीं था पॉपुलेशन में वहाँ पर। और उसके साथ साथ 24 सीटें रिजर्व रखी गई थी पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के लिए, यानी कि उस हिस्से के लिए जिस पर पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है और भारत की बहुत ही ज़्यादा बड़ी प्रधानमंत्री बताई जाने वाली इंदिरा गांधी ने भी उस हिस्से को उस समय वापस नहीं लिया था जब भारत ने पाकिस्तान के करीब 90,000 सैनिकों को बंदी बना रखा था। तो इस बात को लेकर कांग्रेस की बहुत आलोचना होती रही है। और जिस तरीके से फारूक अब्दुल्ला ने इस मामले को लटका दिया था 2004 में, 2026 तक इस बात को रोक दिया था कि परिसीमन अब वहाँ नहीं होगा, लेकिन अमित शाह ने इसको पहल करते हुए राज्यपाल को ये अधिकार दे दिया है कि वो परिसीमन करा सकते हैं दोबारा से। और उसका फायदा ये होगा कि जम्मू रीजन में सीटें बढ़ जाएंगी, जिसकी वजह से जैसा कि उद्धव ठाकरे ने भी उम्मीद जताई कि अब पहली बार जम्मू और कश्मीर को हिंदू मुख्यमंत्री मिल जाएगा। उन्होंने आगे ये भी कहा कि जिस तरीके से कश्मीर की नीति रही है वहाँ पॉपुलेशन 68% मुसलमानों की है, लेकिन बाकी के जो हैं वो हिंदू और बौद्ध हैं, उस हालत में हम किसी भी तरीके से रहम करते हुए मुसलमानों को कश्मीर गिफ्ट नहीं दे सकते, और ऐसा करने के लिए कश्मीर को भारत का अभिन्न हिस्सा बनाने के लिए वहाँ से धारा 370 का हटना बहुत ज़रूरी है, 35A का हटना बहुत ज़रूरी है, और उसको हटाने की ही दिशा में अमित शाह काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये सब बातें कहीं उद्धव ठाकरे ने सामना के अंदर, और उन्होंने कहा कि उन्हें पूर्ण विश्वास है कि जिस तरीके से अमित शाह काम कर रहे हैं, जिस तरीके से उन्होंने एक डायनामिक नीति अपनाई हुई है, उसको देखते हुए अब निश्चित ही वहाँ से 370 हटेगी, 35A हटेगा, और इसके लिए शिवसेना पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथ है। यानी कि अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो अब इस मुद्दे पर लोकसभा के अंदर करीब करीब 321 सांसद खुलकर सामने आ चुके हैं, क्योंकि 303 सांसद भारतीय जनता पार्टी के हैं और 18 सांसद शिवसेना के हैं, जो पूरी तरीके से 35A और 370 हटाने के लिए एकजुट हो गए हैं, क्योंकि अब घोषणा कर दिया उद्धव ठाकरे ने। दूसरी तरफ एनडीए के कुछ घटक दल हैं जिनको थोड़ा सा ऐतराज़ है इन धाराओं के हटाने से, और इसको वो दबे स्वर में, जैसे कि नीतीश कुमार ने बोला था कि हम इस पर मिलकर बात करेंगे और इस पर कोई जल्दबाजी भाजपा नहीं करेगी, एनडीए के घटक दलों से बात करेगी, लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी ये पहल करती है तो 321 सांसद तो स्पष्ट तौर पर उसके पक्ष में आएंगे और बाकी की पार्टियां भी उस पक्ष में आ सकती हैं। इससे एक उम्मीद जगती है कि अब निश्चित तौर पर 370 35A। उसके साथ साथ उद्धव ठाकरे ने यह भी कहा कि जिस तरीके से अमित शाह ने वहाँ पर हिटलिस्ट बनाई है आतंकवादियों की, और वहाँ अधिकारियों को ये कहा गया है कि आतंकवादियों को वहाँ से चुन चुन कर मारा जाना चाहिए या फिर पाकिस्तान भगा देना चाहिए, तो निश्चित तौर पर उसकी भी तारीफ की है। और इसके बाद खबर आ रही है तेलंगाना से कि वहाँ पर 12 विधायकों ने, जो विधानसभा अध्यक्ष है उससे एक अपील की है कांग्रेस के विधायकों ने, कांग्रेस के वहाँ 19 विधायक आए थे, उन्होंने ये कहा है कि हम 12 विधायक TRS में अपनी पार्टी का विलय करना चाहते हैं, उसकी अनुमति हमें दी जाए। और अगर ऐसा होता है तो निश्चित तौर पर तेलंगाना के अंदर जो कांग्रेस है उसका एक तरीके से सफाया हो जाएगा, क्योंकि फिर जो सांसद जो विधायक उसके बचेंगे वो बहुत थोड़े रह जाएंगे और TRS का जो बहुमत है वो और ज़्यादा वहाँ पर हो जाएगा। तो कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ने ही जा रही हैं, बढ़ती जा रही हैं, घट नहीं रही हैं, जैसा कि विरोध हो रहा है, चाहे वो कर्नाटक में लोग छोड़ छोड़ कर भाग रहे हैं पार्टी को, मध्य प्रदेश में भाग रहे हैं, और आज उसी क्रम में जिस तरीके से पंजाब में हुआ है कि सिद्धू को उस मीटिंग में सिद्धू नहीं गए जिसमें अमरिंदर ने मीटिंग बुलाई थी, और उसके बाद जो बयान सिद्धू ने दिया कि हार की जिम्मेदारी सभी को लेनी चाहिए,
जिसके ऊपर पहले कहा था अमरिंदर ने कि हम जो हारे हैं उसके पीछे सिद्धू के बयान हैं, सिद्धू की वो गलत नीतियां हैं, जिस तरीके से वो बाजवा से गले मिले और जिस तरीके से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की तारीफें सिद्धू ने की थी, उस बात को लेकर अमरिंदर शिकायत कर रहे थे। और खुलकर अब ये बात क्लियर हो गई है कि अमरिंदर अपने कैबिनेट में सिद्धू को बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। सिद्धू की दिक्कत यह है कि चंडीगढ़ से वो अपनी पत्नी को टिकट दिलाना चाहते थे, जिसके लिए अड़ंगा लगाया था कैप्टन अमरिंदर सिंह ने, और यही वजह है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह और सिद्धू के बीच बहुत तीखी लड़ाई सड़क पे आ चुकी है। लेकिन कांग्रेस का जो अध्यक्ष है अधेड़ युवा राहुल गांधी, उनका हाथ एक तरीके से सिद्धू के ऊपर था, लेकिन अब हो सकता है वो हाथ हट जाएगा, क्योंकि राहुल गांधी अपनी हार से सदमे में है और इस सदमे की वजह जो बताई है उत्तर प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष राज बब्बर ने बताई है। राज बब्बर का ये कहना है कि राहुल गांधी अमेठी को अपना परिवार मानते थे और इस बार उनके परिवार के लोगों ने जिस तरीके से उनको घर से बाहर कर दिया यानी हरा दिया है, उससे राहुल गांधी सदमे में हैं। एक और बात चाटुक राजनीता की हृदय पार करते हुए राज बब्बर ने कही कि प्रियंका वाड्रा और राहुल गांधी ने बहुत काम किया था, उससे बहुत ज़्यादा वोट हमें मिल सकते थे, लेकिन जो हमारे स्थानीय नेता थे वो उस वोट को बटोर नहीं पाए, नहीं तो हम बहुत सारी सीटें जीत जाते। कहने का मतलब ये है कि पार्टी की बहुत बुरी तरह हार हुई है। राष्ट्रीय अध्यक्ष हार चुका है अमेठी से और केवल एक सीट बची उत्तर प्रदेश की 80 में से, वो थी सोनिया गांधी की सीट। लेकिन उसके बावजूद उसके जो चमचे हैं, जो चाटुकार हैं, वो हैं कि मानते ही नहीं कि हार हुई है तो राहुल गांधी जिम्मेदार है। और यही वजह है कि राहुल गांधी अब सदमे से बाहर आने में उसको दिक्कत हो रही है। उसे ये लगता है कि मेरे जो चमचे बोल रहे हैं वो सही है, लेकिन फिर उसे जब याद आता है कि चुनाव का रिजल्ट तो मेरे खिलाफ रहा है, तो ये दुविधा में फंसकर वो व्यक्ति अभी तक जिस तरीके से सदमे में है जैसे कहा जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ प्रियंका वाड्रा ने कुछ मीटिंगें की थी स्थानीय लोगों से कि हम हारे क्यों, तो इसको लेकर जो स्थानीय लोगों ने रिपोर्ट दी, जो सवाल उठाए वो बहुत ही चौंकाने वाले हैं। उन लोगों का ये कहना था कि कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष की जो छवि है वो बार बार जिस तरीके से इफ्तार पार्टियों में जाकर फ़ोटो खिंचाते हैं, ईद का फ़ोटो खिंचाते हैं, मज़ारों पर जाकर फ़ोटो खिंचाते हैं, लेकिन चुनाव के टाइम पर वो हिंदू जनेऊधारी से भक्त हो जाते हैं जिसको जनता मानने को तैयार नहीं है। अगर राहुल गांधी वास्तव में बहुसंख्यक हिंदुओं का वोट पाना चाहते हैं तो उनको रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कट्टर हिंदू बनकर दिखना पड़ेगा, उन्हें उसी तरीके से हफ्ते में एक आध बार मंदिर जाना पड़ेगा और तिलक लगाने पड़ेंगे, तभी कांग्रेस के साथ जो बाकी हिंदू परिवार हैं वो आ सकते हैं। क्योंकि पहले ऐसा हुआ करता था कि कांग्रेस के नेता भागवत भी कराते थे, बड़े बड़े धार्मिक आयोजन कराते थे, रामलीलाएं कराते थे, लेकिन जब से ये जो सोनिया गांधी और राहुल गांधी आए हैं तब से ये कम हो गया है। और यही वजह है कि कांग्रेस से जो हिंदू वोट बैंक है वो खिसक गया है, मुस्लिम वोट बैंक की अब पूरी तरह से कांग्रेस के साथ नहीं है, जिसका कि जो तस्वीर आई थी उत्तर प्रदेश के अंदर मायावती को मुस्लिम वोट मिला, कांग्रेस को नहीं मिला, जिसकी वजह से कांग्रेस केवल एक सीट पर सिमट के रह गई उस प्रदेश में, जिसका कि हर बार भारत की सरकार बनाने में सबसे बड़ा योगदान होता है। तो ये सारी बातें उन्होंने प्रियंका वाड्रा के सामने रखी और प्रियंका वाड्रा भी अपना रिपोर्ट कार्ड या जो कहें कि महासचिव होते हुए अपनी जो रिपोर्ट है वो राहुल गांधी को सौंपने वाली है। राहुल गांधी ने एक और बात कही है कि वो बूथ स्तर पर ये जांच कराने की कोशिश करेंगे कि हमारी पार्टी हारी तो हारी क्यों। सवाल ये उठता है कि जिस पार्टी का अध्यक्ष अपनी गलतियों को मानने की बजाय, उसको जानने की बजाय बूथ स्तर पर रिसर्च करना चाहता है कि उसकी पार्टी हारी क्यों, तो उस पार्टी का तो भगवान ही मालिक हो सकता है। उस हार की सबसे बड़ी वजह थी राहुल गांधी का बार बार एक झूठ को चीख चीख कर बोलना, देश के प्रधानमंत्री के ऊपर आरोप लगाना, और इसी बात से लोग सबसे ज़्यादा नाराज हुए थे। लेकिन राहुल गांधी और उसकी पूरी पार्टी इस बात को मानने को राजी नहीं है कि राहुल गांधी कभी गलती कर सकते हैं। अब वजह यह है कि पूरी पार्टी राहुल राहुल गाकर ये सोच रही है कि शायद उनकी चमचागिरी से खुश होकर राहुल गांधी कुछ इनाम देंगे और कोई बड़ा पद दे देंगे। यही वजह है कि हार का जो ठीक रहा है किसी और के ऊपर फोड़ने की तैयारी चल रही है। इसीलिए जो इस्तीफे का नाटक किया गया था और उस नाटक के बाद
बाद में ये बोला गया कि कोई योग्य व्यक्ति नहीं मिल रहा है, इसलिए मैं अध्यक्ष बना रहूंगा। बात ये आती है कि क्या राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी में सबसे ज़्यादा योग्य व्यक्ति हैं? जैसा कि सोनिया गांधी ने कहा कि हमें 11 करोड़ लोगों ने वोट दिया, हम उन सभी का धन्यवाद देते हैं, तो हम पूछना चाहते हैं कि भारत के उन 11 करोड़ लोगों में से क्या राहुल गांधी ही वो अधेड़ युवा हैं जिनकी योग्यता के ऊपर बाकी सबको लोहा मानना पड़ेगा और उनको ही अध्यक्ष के तौर पर झेलना पड़ेगा? क्या कांग्रेस पार्टी में कोई भी राजेश पायलट या माधवराव सिंधिया जैसा नेता नहीं है जो खुलकर कहे कि हाँ मैं अध्यक्ष बनना चाहता हूँ, अब गांधी परिवार से अध्यक्ष की कुर्सी हमें छीननी है, ऐसी घोषणा करने वाला अभी तो कोई दिखता नहीं है? क्योंकि राज बब्बर जैसे लोगों के जो बयान आ रहे हैं उससे तो यही लगता है कि ये अभी भी चमचागिरी की नीति ही चलाना चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।